नमस्कार दोस्तों वे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अशोक सुथार अपने YouTube चैनल हैंडराइटिंग शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने जा रहे हैं फोर्थ लेटर, फोर कैसे लिखते हैं। वन हो गया आपके, टू हो गया, थ्री हो गया, हम कंटिन्यू चल रहे हैं। अब इसके बाद नंबर है फोर का। देखिए फोर एक बहुत ही इजी लेटर है, लेकिन हम इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। कैसे, देखिए बोर्ड पे इसके स्टेप और रूल्स। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, आपको केवल स्टैंड लाइन खींचनी है, उसके बाद इस कॉर्नर से आप ये थोड़ा स्लांट आ जाओ, ये इसका सेकंड स्टेप। फर्स्ट सेकंड और ये इसका थर्ड स्टेप, थर्ड में आपके कंप्लीट हो गया। इसमें थ्री स्टेप है, थ्री लाइन हमें दिखाई दे रही है इसमें, वन टू थ्री। फोर्थ में हम फोर को इस तरह से भी लिखते हैं, और फोर को हम इस तरह से भी लिखते हैं, ये भी फोर है, ये भी फोर है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ सीधा करके, और इस तरह से भी लिखते हैं फोर को। हमारे जो राइटिंग में या कर्सिव में जो हम फोर लिख रहे हैं, अब इस फोर की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कमी रख देते हैं वो देखिए, गलती कहाँ होती है हमारे से वो देखिए। हम फोर इस तरह से भी लिखते हैं, अब आपको इसके मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं। मैंने इसमें ये फोर बनाया, ये भी फोर बनाया, और एक ये भी फोर बनाया। मैंने अलग अलग थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के फोर पड़े हैं। आप देख रहे हैं इसमें ये लाइन बड़ी है और ये छोटी है, ये इससे बड़ी है और ये छोटी है। इसमें आपके ये छोटी है और ये जो स्टैंड लाइन है वो बड़ी है। इसमें दोनों लाइनें इक्वल है, हम यहाँ से देखते हैं सेंटर से, ये सबका सेंटर पॉइंट मानते हैं। यहाँ से ये लाइन बार छोटी है, ये बड़ी है, और ये दोनों इक्वल है, तो हम कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि इसमें सही कौन सा है। आप कभी भी देखना फोर्थ में हमेशा ये लाइन छोटी होगी और ये बड़ी होगी, इससे हमेशा इक्वल नहीं होती, ये लाइन कभी बड़ी नहीं होती, ये सही है, ये आपको फोर्थ में हमेशा छोटी और ये बड़ी। बस इन लाइनों को हम छोटा बड़ा करने में गलतियां कर जाते हैं। अब आपको इसका सिस्टम या आपके स्टेप और रूल्स इसके समझ में आएंगे, आज के बाद आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब आप ये आपके थ्री स्टेप फोर्थ के आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हम जब चेयर पे बैठते हैं और एक पैर दूसरे पैर पे इस तरह से रखते हैं, जो पैर हम इस तरह से रख रहे हैं उसका जो सेंटर पॉइंट है, हम इसको ज़्यादा इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये उसी पे बना हुआ है, इस तरह से जब बैठते हैं ना हम चेयर पे बैठ के एक पैर के ऊपर पैर रख के, तो इसमें ये पाँव
कभी आगे नहीं निकलता, जो हमारा नीचे पैर फर्श पर टिका रहता है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और उसकी हमेशा छोटी रहती है, हम उसको बड़ा कर ही नहीं सकते। हाँ जी, सबको समझ में आ गया? अगर लेटर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।